दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये सीरीज हम इसलिए ला रहे हैं ताकि 24 जून से 28 जून के अवधि में जो यूजीसी नेट की परीक्षाएं बची हुई है उसके लिए एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन की जो कॉपी है हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि और कोई हमारा माध्यम नहीं है, इसलिए इसको एक बार जरूर अवलोकन कर लें, रिविजन कर लें और उसके बाद में एग्जामिनेशन जाए। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण है, शिक्षण एक अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कमजोर छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है, समाज की आवश्यकताएं एवं विचारों के तहत विकसित होता है। ये मॉरिसन के अनुसार जो है शिक्षण की परिभाषा दी गई है। व्यापक अर्थों में शिक्षण है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षण है शिक्षण की सभी आवश्यक तत्व जिसमें छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षा पद्धति, शिक्षा सामग्री सभी सम्मिलित है। हम इसकी प्रकृति पर विचार करते हैं तो शिक्षण है गतिशील, सामाजिक एवं मानवीय है, कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण विविध प्रकृति का होता है। शिक्षक छात्रों को क्या प्रदान करता है? व्यक्तिगत एवं देखभाल की सेवा करता है, उनके जरूरतों का निदान करता है, सीखने के लिए डिजाइन करता है, मूल्यांकन तरीकों को अपनाता है। शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, सीखने के कौशल में सुधार करना, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार और आचरण का आकार देना, ज्ञान का अधिग्रहण और निर्विवाद विश्वास में लेना। दोस्तों ये हम जो है, हालांकि इसका वीडियो बन चुका है, फिर भी उस वीडियो को आप, हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो के कारण से इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है इसको अनिवार्यता लेकर आए हुए हैं, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। जान ब्रुबाचर के अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण वह स्थिति है जिसमें परिपाटी और हेरफेर है, जिसमें अंतराल और रुकावटें हैं, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करता है, इसी से कुछ सीखता है, यही शिक्षण है। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रणाली है, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से शिक्षण कार्य है। एनएल गेज के अनुसार शिक्षण है, शिक्षण पारंपरिक प्रभाव का एक रूप है, इसी उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलता है। श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षण क्या है? सच्चा शिक्षण का पहला सिद्धांत है, कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। शिक्षण दूसरों को सिखाने में सहायता करने में सहायता करने की कला है। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार गर्ग ने 3 प्रश्न किए हैं। शिक्षक कैसे व्यवहार करते हैं, वह क्यों करते हैं ऐसे व्यवहार, इसके क्या प्रभाव है? छात्र शिक्षक के मध्य पारस्परिक संपर्क होता है, वही शिक्षण है। किसने कहा था? फ्लेडर ने कहा था। प्री एक्टिव फेज होता है, प्लानिंग फेज होता है, शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है, शिक्षक के कार्य को सुचारू एवं योग्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों ये इसको जो है जरूर याद कर लीजिएगा। आइए हम यहाँ पर देखते हैं इंटरएक्टिव फेज में क्या होता है। यह वास्तविक शिक्षण फेज है, सफलता और असफलता कक्षा की स्थिति एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस फेज से शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर संवाद करते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज है, शिक्षण का परिणाम अर्थात मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान संबंधी डोमेन के भाग है, ज्ञान, समझबूझ, उपयोग, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ज्ञान संबंधी डोमेन है। ज्ञान यानी कि नॉलेज क्या है, विचार, तथ्यों को याद रखने, याद करने और पुनर्गठित करने की क्षमता है। ज्ञान को संप्रेषित करने की क्षमता है समझबूझ। वैज्ञानिक ज्ञान से क्या मिलता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। विज्ञान किसके लिए फालतू चीज है? नासमझ लोगों के लिए, यानी कि रूढ़िवादी लोगों के लिए। विज्ञान किसका शोध है? ज्ञान प्रकृति की समझ और प्राकृतिक घटनाओं के स्पष्टीकरण के लिए शोध है। भारत में वैज्ञानिक शिक्षण प्रारंभ हुआ राजा मोहन राय के नेतृत्व में 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में डेविड हरे द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक शिक्षण प्रारंभ करने का उद्देश्य था समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। सती प्रथा का उन्मूलन भी एक इसका मुख्य कारण था। आइए लास्ट हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53 गठित करने का मुख्य उद्देश्य था छात्रों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना था। किस समिति की सिफारिश पर हाईस्कूल तक अनिवार्य रूप से विज्ञान विषय पढ़ाया जाए? 1961 में इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी द्वारा। एजुकेशन कमेटी 1964-66 ने क्या सुझाव दिया? 10वीं कक्षा तक सामान्य ज्ञान के रूप में विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। 1988 में किनके द्वारा फ्रेमवर्क किया गया? एनसीईआरटी द्वारा विज्ञान विषय को अनिवार्य बना दिया गया। व्याख्यान शिक्षण पद्धति की विशेषता है
कक्षाओं की एक प्रमुख पद्धति है, शिक्षक के लिए अत्यधिक व्यवहारिक है, यह चॉक टॉक पद्धति है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति है, छात्रों की सर्वाधिक उपस्थिति के लिए यह अनिवार्य है, होशियार छात्रों के लिए है, स्मरण शक्ति के लिए किया जाता है, छात्रों के लिए उबाऊ पद्धति है। प्रदर्शन विधि की प्रमुख विशेषता है, विज्ञान पढ़ाने की प्रभावी पद्धति है, छात्रों की जिज्ञासाओं को विकसित किया जाता है, लेकिन यंत्र की पूर्ण व्याख्या नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हमने कोशिश किया हुआ है ताकि आप एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि आप रिवीजन करने के लिए जो है आप ढेर सारे सर्च कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है वो वीडियो, तो हम कोशिश किए कि ऐसे वीडियो आपको प्रस्तुत कर दें ताकि आप एग्जामिनेशन जाने के पहले कुछ रिवीजन कर लें, कुछ मेमोरी में रख लें और उसके बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, तो हो सकता है कि कोई प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाए और आप जो है आपके लिए ये सही हो जाए 5 प्रश्न। हमने कोशिश किया हुआ है, एक केवल प्रयास है ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एक बार रिविजन कर देते तो हमें अच्छा लगता, तो मैंने जो है रिविजन कर दिया, 2 लेक्चर, अभी एक वीडियो डाला हूं, इसके पहले वाला वीडियो डाला हूं, आप उसको देखकर जो है समझ सकते हैं कि क्या है इसमें। थैंक यू, नमस्कार।